हेलो राइडर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपके बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बात करने वाले हैं आज हम बीएससी फाइनल ईयर का आपका पेपर सेकंड है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सम्मिश्र विश्लेषण जिसकी मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये एग्जाम में 40 नंबर का स्कोर रखता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम ले लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, मतलब कि कोई सम्मिश्र चर है, वो जेड। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो जेड से डिनोट किया जाता है, जो एक्स प्लस आयटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। जहाँ पे जो ये एक्स होता है वो होता है आपका रियल पार्ट, वास्तविक भाग, ओके। और जो ये वाई होता है, मतलब आयोटा के साथ जो आपका पद होता है, ये जो आई का सिंबल है इसको बोलते हैं आयोटा, इसके साथ जो पद होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये होते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, ये आपका काल्पनिक भाग, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लिया, तो ये है इसका कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। ये जो फॉर्म है ये आपकी इसकी कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। यदि हम इसके पोलर फॉर्म की बात करें तो इसका पोलर फॉर्म आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है वो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पोलर फॉर्म कहलाता है, ध्रुवीय रूप, ओके। यहाँ पे आपका जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस का वन। यहाँ पे जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस का वन, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती है, यदि कोई फलन, यदि आपके पास कोई फलन है, यदि कोई फलन एफ जेड, यदि कोई फलन एफ जेड के रूप में लिखा जाए, यदि कोई फलन एफ है वो एफ जेड के रूप में लिखा जाए, जहाँ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, जहाँ जेड सम्मिश्र चर हो, तो फलन सम्मिश्र फलन कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स फलन कहलाता है। फलन कहलाता है, ओके। यदि आपके पास कोई फलन है वो एफ जेड के रूप में लिखा जाए, जहाँ पे जो जेड है वो सम्मिश्र चर हो, मतलब कि आपका एक्स प्लस आयटा वी वाई के रूप में यदि कोई फॉर्म लिखी जा रही है तो वह जो फलन होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, सम्मिश्र फलन होगा, ठीक है। चूंकि आपको पता है जेड बराबर आपके पास इस वाले फॉर्म के रूप में होता है एक्स प्लस आयटा वाई, ओके। तो यहाँ पे दो इसका हम जेड के ऊपर बार लगा दे तो ये कहलाता है जेड का कॉन्जुगेट, ओके, जेड का संयुग्मी। इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस आईटा वाई के फॉर्म के रूप के अंदर, मतलब कि साइन है वो आपका चेंज हो जाता है। ये होता है जेड का कॉन्जुगेट, ओके। तो अब यहाँ पे इसके अंदर साथ में हम देख लेते हैं
मोड ऑफ जेड, हम किसी का, हम इस जेड का मोड मतलब कि मापांक कैसे निकालें। तो मापांक आपका होता है यहाँ पे रूट के अंदर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है इसका मोड मापांक। ठीक है, अब हम इसकी यदि एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब यदि हम इसकी एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो यदि आपके पास जेड वन और जेड टू है, वो कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उस स्थिति के अंदर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होगी आपके पास जेड वन प्लस जेड टू का जो होल बार है वो बराबर होता है आपके जेड वन बार प्लस जेड टू बार के। सेकेंड वाली कंडीशन में यदि आपके पास जेड वन और जेड टू का कोई डॉट प्रोडक्ट के अंदर इसका होल बार किया जाता है, तो ये आता है आपके पास जेड वन बार इंटू में जेड टू बार, इनको अलग अलग सेपरेट के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड वाले में आता है आपके पास कि आपके पास जेड वन और जेड टू कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और इसके पूरे के ऊपर बार है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं जेड वन बार अपॉन जेड टू का बार, जहाँ पर जो है आपका ये जेड टू बार है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कुछ एलजेब्रिक प्रॉपर्टी हो जाए। उसी प्रकार आपके पास कुछ और इसके अंदर गुण्स होते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्थ नंबर के रूप में। आपको पता है जेड का मान आप यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई है और जेड बार का मान आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस आइटा वाई होते हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें जेड प्लस जेड बार, तो ये इक्वल होता है, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे ये इक्वल होता है टू ओ अक्स, जो अक्स होता है मैंने बताया अक्स होता है वो रियल पार्ट होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं दो इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, सिमिलरली यदि हम जेड माइनस जेड बार की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आप जब इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म कट जाती है और ये दोनों टर्म जुड़ जाती है, तो ये यहाँ पे हो जाता है टू आयोटा इंटू वाई, वाई को मैंने बोला है इमेजिनरी ऑफ पार्ट, तो यहाँ पे ये होता है टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, यदि हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, तो जेड और यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट का मोड का जब हम मल्टीपल लेते हैं तो ये बराबर होता है मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर। ये काफ़ी अच्छा गुण है इसका, ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है। तो सेवन वाला पॉइंट मैं देखता हूँ, यदि हम मोड के अंदर जेड वन और माइनस जेड टू का मोड ले, तो यहाँ पे ये ऑलवेज लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ये हमेशा लेस देन और इक्वल हो सकता है मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू। ओके, यदि हम एट नंबर पॉइंट पे चले, यदि आपके पास मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू दो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, उनके यदि हम मोड की बात करें, तो यहाँ पे ये इनको अलग अलग मोड के रूप में हम लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, जहाँ पे मोड ऑफ जेड टू है वो हमेशा क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आपके जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके। तो सम्मिश्र फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कोई एल है, कोई एल सम्मिश्र फलन एफ जेड की सीमा कहलाती है, जेड की सीमा कहलाती है। यदि जब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए अस्तित्व हो किसी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की, सच दैट मोड ऑफ एफ जेड माइनस एल है वो ऑलवेज लेस देन हो एप्सिलॉन के, जहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू है वो जीरो और डेल्टा के बीच में आए। ठीक है, तो ये होती है आपकी
कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट का एक जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है वो। अब नॉर्मली आप इस चीज़ से यह ध्यान रखें, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो आप सिंपली उसकी लिमिट कैसे ज्ञात करोगे। आपको पूछ रहे हैं आपके पास कोई फंक्शन है, एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं e की पावर x है या फिर e की पावर z है, तो आपको बोल रहा है कि z बराबर 0 पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करो, जैसे आप 12th में भी करते थे कि लिमिट ऑफ z टेंस टू z 0 एफ ऑफ z, इसकी वैल्यू यदि आपके पास l कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यदि कोई भी वैल्यू फाइनाइट नहीं मिलती है आपको तो इसका मतलब लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके ऊपर हम चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस का 1/z, ई की पावर माइनस का 1/z की जेड बराबर 0 पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं जेड बराबर 0 पर, तो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 और एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस का 1/z, तो डेट इज इम्प्लाइज यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 रखो तो e की पावर माइनस 1/0, डेट इज इम्प्लाइज e की पावर माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको e की पावर माइनस इन्फिनिटी में नीचे लेके आओ तो 1/e की पावर इन्फिनिटी होता है, डेट इज इम्प्लाइज 1/e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0। इसका मतलब ये वैल्यू फाइनाइट आ गई आपके पास, इसका मतलब एफ जेड बराबर e की पावर माइनस का 1/z है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसलिए एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू हो गई। अब हम एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड है वो है आपका साइन 1/z, तो आपको बताना है जेड बराबर 0 पे क्या इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो आप सिंपली लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाइए, हम जानते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि 0 पे आपको ज्ञात करना है और फंक्शन की वैल्यू है आपके पास साइन ऑफ 1/z, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ इन्फिनिटी आता है जो कि अनबाउंडेड है। आपको पता है साइन की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है तो इसका मतलब इसकी लिमिट ज्ञात नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अतः फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आपका सिंपल सा लिमिट का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड वाला पॉइंट है आपके पास कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। तो सम्मिश्र फलन की सांतत्य कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओके, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन की सांतत्यता की बात हम अब करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लिमिट और जो कंटिन्यूटी है उसकी थोड़ी डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी मैच करती है, तो हम देखते हैं। तो आपका जो सम्मिश्र फलन एफ जेड है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, आपका सम्मिश्र फलन एफ जेड सांतत्य कहलाता है, किसी बिंदु जेड जीरो पर यदि आपके पास यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास कोई ऐसा धनात्मक मान विद्यमान है कि उसके लिए अस्तित्व हो जाए किसी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की सच डेट मोड ऑफ
एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो उस फंक्शन की वैल्यू और जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू का मोड है, वो यदि लेस देन आ जाए आपके पास एप्सिलॉन के, जहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू लेस देन ऑफ डेल्टा हो। इसको हम सिंपल वेम के अंदर समझें तो आपको सिंपल यदि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसकी कंटिन्यूटी आपको दिखानी है तो आपको क्या करना होगा, तो लिमिट आपकी उस पॉइंट पे लिमिट निकाल दो जेड माइनस जेड जीरो एफ ऑफ जेड है वो यदि बराबर हो जाए आपके पास एफ ऑफ जेड जीरो के, यदि उस पॉइंट पे हम लिमिट निकालें और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। ओके तो चलिए इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू जेड स्क्वायर है यदि जेड की वैल्यू आयोटा नहीं है और जीरो है यदि जेड की वैल्यू आयोटा है, तो आपको बताना है एफ जेड है वो सतत है आयोटा पर या नहीं। ओके कि आपको यह बताना कि यह जो फंक्शन दे रखा है आपके पास ये आयटा पे सतत है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिंपल है, आप सबसे पहले क्या करो, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप जेड की जगह आयटा रखोगे तो एफ ओ आयटा जीरो पर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर रखते हैं तो आपके पास आता है आयटा स्क्वायर, यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं आपके पास माइनस वन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, अभी अभी हमने देखा है चूंकि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू, आपको आयोटा पे बताना है तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ आयोटा इक्वल टू, आप देखो जेड की वैल्यू आयोटा पे इसका मान कितना है फंक्शन का, जीरो है। ओके तो इसका मान कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आपको यहाँ से दिख रहा है चूंकि एफ ऑफ आयोटा वह इक्वल नहीं है जीरो के, क्योंकि एफ ऑफ आयटा की वैल्यू माइनस वन आई है जबकि लिमिटिंग केस में हमने वैल्यू निकाली तो इसकी जीरो आई है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो आयोटा पे कंटिन्यूस नहीं है। अतः फंक्शन तो फलन है आयोटा पर कंटिन्यूस या सतत नहीं है, कंटिन्यूस या सतत नहीं है। ओके ये आपका हो गया कंटिन्यूस पे एक एग्जांपल, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, द डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कि किसी सम्मिश्र जो चर है सम्मिश्र फलन है उस पर अवकलनीयता की बात अब हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता, डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके इसकी अब हम बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन है वो आपकी नॉर्मली एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है। ओके तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन कि कोई सम्मिश्र तल है आपका, सम्मिश्र तल के किसी प्रांत डी में परिभाषित एकमानी फलन एफ जेड है वो डी के जो आपका प्रांत है उसके किसी बिंदु जेड जीरो पर अवकलनीय होगा यदि वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि एफ डेल जेड बराबर लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस करता है जीरो की तरफ एफ ऑफ जेड जीरो प्लस का डेल्टा ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड जीरो बटे डेल्टा ऑफ जेड, यदि इस वाली कंडीशन को यह सेटिस्फाई कर देता है तो आपका जो फंक्शन होगा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वो अवकलनीयता की
कसौटी पे उतर जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका। यहाँ पे जो डेल्टा जेड है उसकी वैल्यू होती है जेड माइनस का जेड जीरो। यदि आपका साथ में देख लीजिए डेल्टा जेड टेंस करता है जीरो की तरफ, तो जेड माइनस जेड जीरो टेंस करता है जीरो की तरफ, तो इम्प्लाइज जेड है वो टेंस करता है किसकी तरफ, जेड जीरो की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम और क्या सिंप्लीफाइज कर सकते हैं, एफ टेस्ट जेड बराबर लिमिट ऑफ डेल जेड की जगह वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जेड टेंस करता है जेड जीरो की तरफ, एफ ओ जेड जीरो, डेल जेड की वैल्यू रखते हैं जेड माइनस का जेड जीरो माइनस का एफ ओ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस का जेड जीरो। ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो डेट इज इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट ओ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ओ जेड माइनस का एफ ओ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस का जेड जीरो। ये आपकी अवकलनीयता को दर्शाता है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि जो आपका जो फंक्शन है वो अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। एक एग्जांपल है जो यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी बार पूछा गया, 2001, 2005, 2007, 2011 पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो एग्जांपल है आपका कि एफ जेड बराबर आपका एक फंक्शन है मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये एग्जांपल में बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल है, वह केवल मूल बिंदु पर ही है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फलन एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, हर जगह क्या है कंटिन्यूस है, परंतु मूल बिंदु पर अवकलनीय है। ये आपको शो करना है कि कोई फलन है एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन जो मूल बिंदु है उसके ऊपर ये है क्या है डिफरेंशिएबल है, तो आपको शो करना है। तो इसके लिए तो चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ जेड बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अभी अभी गुणधर्म देखे थे उसके अंदर हमें पता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड इंटू जेड बार के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये सतत है हर जगह पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सतत है, यहाँ पे हम इसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं क्योंकि हम सतत कंटिन्यूस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं लिमिटिंग केस में देख लेते हैं कि लिमिट जे टेंस टू मूल बिंदु पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं जेड जीरो बराबर मूल बिंदु पे देखते हैं। तो जेड यदि जीरो की तरफ टेंस करता है तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो जेड इंटू जेड बार, ये बराबर किसकी तरफ टेंस करेगा, जीरो की तरफ। और फंक्शन भी दिख रहा है जेड बराबर जीरो पर, ये भी किसकी तरफ टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ। यहाँ पे जो फंक्शन है वो भी जेड बराबर जीरो की तरफ किसकी तरफ टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ। इसका मतलब जेड बराबर जीरो पे जो फंक्शन है वो आपका कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली आप चाहो तो जेड जीरो की वैल्यू यदि आप वन लेते हो तो यहाँ से भी आपको मिलता है लिमिट जेड टेंस टू वन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंस टू वन इंटू, यहाँ जेड इंटू जेड बार है फंक्शन तो जेड की वैल्यू वन लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया जेड बार, डेट इज इम्प्लाइज जेड इंटू जेड बार, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू वन रखोगे तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया, जेड बार के बराबर। सिमिलरली फंक्शन के अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि एफ ऑफ वन की वैल्यू भी आपके पास क्या आती है, वन इंटू जेड बार बराबर जेड बार। तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी लिमिट और वैल्यू है दोनों क्या आ रही है, सेम सेम आ रहा है। अब ऐसे आप 2, 3, 4 कुछ भी रखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो बढ़ता ही जाएगा, अर्थात फंक्शन है वो आपका कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है, ओके। अतः फलन एफ जेड सर्वत्र सतत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अवकलनीयता की, ओके। तो सेकंड पार्ट ये इसका क्या था, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अवकलनीयता।
अवकलनीयता चेक करने के लिए हमने अभी अभी देखा है कि हम अवकलनीयता का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट ओ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस का जेड जीरो। ये होता है आपकी डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करने के लिए, अवकलनीयता चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके देखते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज लिमिट ओ जेड टेंस टू जेड जीरो, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे ये लेंगे जेड इंटू जेड बार माइनस का साइन जेड जीरो, जेड की जगह जेड जीरो पुट करो तो ये जेड जीरो बार अपॉन जेड माइनस का जेड जीरो, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। तो हम क्या करते हैं, जेड जीरो को है वो जीरो की तरफ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एफ डेज जेड बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो, तो जेड जीरो की वैल्यू है वो हम क्या रख देते हैं, मूल बिंदु जीरो। तो यहाँ पे जेड इंटू जेड बार ये वैल्यू तो कितनी हो गई, जीरो, और अपॉन में जेड माइनस का जीरो। डेट इज इम्प्लाइज लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो जेड इंटू जेड बार अपॉन में जेड, जेड से जेड कट गया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, जेड ओ बार, ठीक है। अब जेड बार बराबर किसके होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई के, ये हमने देखा था, ठीक है। ये कॉन्जुगेट फंक्शन होता है जेड का, जेड आपका क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, एक्स माइनस का आयोटा वाई। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, ओके। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल फंक्शन एफ टेस्ट जेड आया है वो आया है आपका लिमिट जेड टेंस टू जीरो ये जेड बार, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ये फंक्शन आया है, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जेड बार इक्वल टू लिमिट, तो यदि हम इसे एक्स और वाई के पदों के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिट है वो भी एक्स वाई के पद के रूप में ही टेंस करेगी मूल बिंदु की तरफ, जीरो जीरो की तरफ। तो ये है आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई की। अब यदि हम एक्स और वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या मिलती है आपकी, जीरो, जो कि क्या है, फाइनाइट। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, मूल बिंदु पे अवकलनीय है। अतः एफ जेड मूल बिंदु पर अवकलनीय होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह अद्वितीय मान दे रहा है, फाइनाइट मान दे रहा है। अतः एफ जेड मूल बिंदु पर अवकलनीय होगा क्योंकि फंक्शन मूल बिंदु पर अद्वितीयमान क्योंकि फंक्शन का मूल बिंदु पर अद्वितीयमान प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमने मूल बिंदु भी तो दिखा दिया, अब हम देखते हैं कि क्या मूल बिंदु के अलावा भी किसी पॉइंट के ऊपर अद्वितीयमान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नाउ अब हम चेक करते हैं अनोदर पॉइंट्स के ऊपर। नाउ एफ डैश जेड बराबर हम एक्स और वाई की वैल्यू अब हम ले लेते हैं 111 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर 1 माइनस का आयोटा। और यदि इसके इसको यदि हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और माइनस का 1, 1 जो आपका जो वास्तविक जो रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के गुणांक में रहता है वो वाला पार्ट। ये आपके पास एक इंटरवल है 1-1 के बीच में मिल रहा है, और आपको पता है इंटरवल ऑलवेज इज इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होता है। तो इसका मतलब ये आपको अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यदि आप 2-2, 2-3 कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे एक आपको एक इंटरवल ही प्राप्त होगा, इसका मतलब आपको अद्वितीय मान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः एफ जेड जेड नॉट इक्वल टू जीरो पर अद्वितीयमान नहीं रखता, ओके। इसलिए
फलन z नॉट इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था, होपफुली ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सो साथ में ही इसका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा साइड के अंदर, वो भी आप देख लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू।